तो दोस्तों अभी मैं आपको उस जगह लेकर आ गया हूँ जहाँ पर पथरी की दवाई लेने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है और ये अलग अलग कोने से आए हुए हैं यहाँ पर पथरी की दवाई लेने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो पथरी की दवाई मिलते हैं उनको किस तरह के यहाँ पर फायदे हो रहे हैं। बताइए आप कहाँ से आए? बताइए। दयालपुर। दयालपुर से। तो बताइए मतलब किसको पथरी, आप ही को है? हाँ जी मुझे है। तो बताइए किस तरह के फायदे हैं, दवाई ले ली आपने अभी? हाँ जी ले ली। ले ली है? हाँ जी। तो पहली बार आए हैं? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी आप बताइए। मेरे हस्बैंड को पथरी है, फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है बताइए। द्वारका से आए हैं हम। द्वारका से आए हैं तो उनको किस तरह के फायदे हैं या पहली बार आए? पहली बार आए हैं। ठीक है। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर पथरी की दवाई मिलती है, बताइए? मेरे कजन ने बताया था यहाँ पे। ठीक है। कि यहाँ मिलती है और फायदे होते हैं। तो कजन ठीक हो चुके हैं? कजन? हाँ जी बिल्कुल ठीक है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी लोग हैं जो पथरी की दवाई लेने के लिए आए हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क मिलती है यहाँ पर पथरी की दवाई। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नियम है, तो उसके लिए आपको सुबह 4 बजे यहाँ पर लाइन में लगना होता है। तो आप जितने बजे यहाँ पर आते हैं उसी हिसाब से आपको लाइन में पोजीशन मिल जाती है, उसी हिसाब से आपको नंबर पड़ जाता है और आपको यहाँ पर 1 से 6 महीने पुराना ही अल्ट्रासाउंड यहाँ पर मानना होता है। तो यहाँ पर कुछ परहेज वगैरह भी बताए जाते हैं जो कि परहेज भी करने होते हैं, जैसे चिकनाई वाली चीज़ों से दूर रहना है, मलाई वाले दूध का इस्तेमाल ना करें, सेवन ना करें। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो है पथरी पित्त वगैरह पित्त की थैली की जो रेयर पथरी होती है, तो हमने बातचीत करी यहाँ पर, तो उस बातचीत में सामने आया कि पित्त की पथरी पित्त की थैली की पथरी भी यहाँ पर काफ़ी लोगों की ठीक हो चुकी है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग ठीक होते हैं। तो आप भीड़ देख करके आइडिया लगा सकते हैं और यदि आप भी सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह बिल सेवा बिल्कुल निशुल्क है। आज ये कुछ चार्ज वगैरह लगता है सेवा का यहाँ पर, बताइए पथरी का? नहीं कुछ नहीं लगता। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ पर आकर के दवाई ले सकते हैं।